एक और चिटफंड कंपनी का हुआ खुलासा। जबलपुर शहर के अंदर विजय नगर अखरी चौक पर स्थित जबलपुर बुक पब्लिकेशन नामक एक चिटफंड कंपनी ने हजारों की तादाद में बेरोजगार छात्र छात्राओं एवं घरेलू महिलाओं को घर में रहकर कार्य करने का आश्वासन दिया था और उनसे 2500 रूपए लिए थे और इसी के साथ जो भी इस कंपनी का ज्वाइन करवाता है उसको 500 रूपए मिलते थे और इस लालच में एक के बाद एक लोगों को जोड़ने का सिलसिला चालू हुआ। परंतु जब इसके बारे में पताशाजी की तो उचित जवाब न मिलने पर पुलिस ने इसकी सूचना दी गई। सूत्रों के मुताबिक कुमार सानू ने जो कि इस चिटफंड कंपनी के संचालक थे और वहां से फरार हो गए। इसकी खबर फैलते ही हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लग गया और भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। वहीं पुलिस ने मामले को विवेचना में लेते हुए जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय विधायक विनय सक्सेना भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने इसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया है। वो मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर थी, उसे इंसाफ चाहिए, मेरी बहन है, पैसे वापस, हमको 2500 रुपए लगे, मैं पूरा वापस चाहिए। 10 लोग हमारे मेंबर में, 10 लोग भैया बहन दीदी सबको, जिनको लगा उनके पैसे भी लगेंगे, जिनको चोट आई हो पैसे देंगे। पुलिस वाले सहायता नहीं कर रहे, दीदी एक सेकंड, पुलिस वाले, दीदी एक सेकंड, पुलिस वाले सहायता नहीं कर रहे, पुलिस वाले मार रहे हैं। अरे ये कंपनी है, पैसे खा के चली गई 2500 रुपए, और सुबह से लॉकडाउन में किसी के पास पैसे नहीं रहते। ये साली ऐसी कंपनी की पूरे इंडिया के मतलब पूरे जितने सबके पैसे खा ली, कौन एक एक रुपए कैसे कमाते हैं। हाँ पैसे के लिए एक एक लॉलेज लगी है, हम लोग को पैसा वापस, हम लोग को ये बताओ, हम लोग को पैसे चाहिए, बस पैसे चाहिए, हमें हमारा पैसा, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, पैसा वापस चाहिए, हम लोग पैसे वापस चाहिए, हम लोग पैसे वापस चाहिए, हम लोग ऐसा दिखाओ नहीं। आप लोग 100 पेज लिख के आना, 15 दिन में आपको 6000 मिलेंगे, सॉरी 4000 मिलेंगे। अब मेरे 15 पेज होने वाले थे 2-3 दिनों में, इससे पहले कंपनी बंद हो गई। उस लेगा जो दिखता नहीं जिनको, उनके लिए लिखने के लिए आप लोग को वर्क करना है। हमने कहा चलो ठीक है, हाँ मिरर व्यू राइटिंग, ये दिल्ली जबलपुर पब्लिकेशंस के नाम से है। उसके बाद उनमें से उनने बोला कि आप लोग ज्वाइन करवाएंगे तो आपको 500 मिलेंगे। मैंने ज्वाइनिंग भी करवाई, अब जिनकी ज्वाइनिंग करवाई वो तो मुझे बोलेंगे ना कि आपने क्या किया आपने। मैडम ये बहुत सालों को जिंदा जला हराम खोरों को, पब्लिक हम पैसे लेने आए हैं, हमको अपने 4000 भी चाहिए और 2500 भी चाहिए, प्लस जिसको हमें ज्वाइन करा हमको उसका पैसा भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो उनको मैं जला दूंगी जिंदा, मेरा पति आहुजा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक तरफ मध्य प्रदेश में हमारे मामू शिवराज सिंह जी जिस तरह से लोगों से कह रहे हैं कि एक भी गुंडा पनपेगा नहीं, अवैध काम होंगे नहीं, कोई भी माफिया बचेगा नहीं, और इसी सरकार के नाम पे हमारे युवाओं को इस रोजगार, जिन लोग रोजगार की तलाश में थे, हमारे दिव्यांग भाइयों को ये कह के कि आप 40 पन्ने का काम करोगे तुमको 2500 मिलेगा, 100 पन्ने का काम करोगे 4000 मिलेगा, हजारों लाखों रुपए इस कंपनी को युवाओं के देना है। और आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में युवा रोड पे है। ये वो युवा हैं जो कोरोना काल में वैसी नौकरियां खो चुके, ये वही युवा हैं जो नौकरियों की तलाश में थे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मामला बहुत गंभीर है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, इसमें मेरी विधानसभा और पूरे जबलपुर के युवाओं का खून पसीने का पैसा है। किसी हालत में भी सरकार तत्काल इस पर कड़ी कार्रवाई करे। जबलपुर शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अभी तक आप देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में युवा परेशान है, जबलपुर शहर के कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचे नहीं, जबकि कलेक्टर महोदय को, जबलपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पे होना था। इससे सरकार की जिम्मेदारी और यहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी समझ में आ रही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एक युवा का, एक एक रुपए जो खून पसीने का है, अगर उसको वापस सरकार नहीं दिला पाई तो जबलपुर शहर में जो अराजक हालात होंगे उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके नाम पे उनकी वोटों लगा के उनके द्वारा इस संस्था को अनुमति दी गई, उनको नंबर दिया गया GST का, ये बता के संस्थाएं लूट करी है, तो सरकार की जिम्मेदारी एक एक युवाओं का, एक एक रुपए समय सीमा में वापस हो, सभी लोग गिरफ्तार हों, जबलपुर शहर में इस कंपनी का एक भी आदमी भाग ना पाए और कोई भी आदमी जबलपुर या मध्य प्रदेश छोड़ ना पाए, ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो भाई, सबका काम होना।
कदीर लूट कर। लाइट किसके पास? लाइट नहीं यार जी, बताइए साहब क्या है ये मतलब? उखड़ी तिराहे में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के तहत जो है एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर को जोड़ते थे और कुछ फीस लेकर के जोड़ते थे। नाउ जो मेन मेंबर है उनका कॉन्टैक्ट अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण जो है एक तरीके से थोड़े से लोकल पब्लिक में जो है ये अफरा तफरी मची है। पैसे कलेक्ट करने के लिए अपने यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अभी पुलिस के द्वारा सबसे पहले सभी को समझाइश दी गई है कि सभी अपने अपने घरों में चले जाएँ। जो इनके मेन ऑर्गेनाइजर हैं इनको जो है हम ट्रेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसी भी आगे वैधानिक कार्रवाई है उसके उपरांत जो है जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी उनके भी ध्यान को उनके भी जो भी इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू। अभी ये क्या है कि कलेक्ट्रेट से पता चल पाएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो इनके कंपनीज है और कितना इनका ये था ऑथेंटिसिटी थी। लेकिन सबसे पहले हमारा पहला प्रायोरिटी है यहाँ पे पुलिस की कि यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना रहे और जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। साथ ही साथ उसके बाद इन्वेस्टर्स के ध्यान को कलेक्ट्रेट के मदद से जो है उसका ध्यान रखा जाएगा। अभी कुछ जो एम्प्लॉयज़ है वो अंदर हैं, वो अपने जो भी पैसे वो बांट रहे हैं। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनके लिए हमारी टीम लगा दी गई है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।